हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक तिवारी। आई एम हियर वंस अगेन टू प्रेजेंट यू अनदर वीडियो ऑफ द फर्स्ट लेसन ऑफ योर पोएट्री ऑफ हॉर्नबिल पोएट्री सेक्शन विच इज़ नेम्ड द फोटोग्राफ ओके बाय शर्ली टॉल्सन। ओके स्टूडेंट्स, we are going to study this poetry, we are going to read about going to get the explanation of this poetry, but before let me tell you about a short of this poetry, you know exactly what this poetry is talks about what this poetry talks about. Okay. Sorry. A photograph summary compares the internal state of nature and the momentary state of humans. अगर हम इस पोइट्री की बात करें, दिस पोइट्री यू नो इट कंपेयर्स इंटरनल स्टेट ऑफ नेचर। ये इंटरनल स्टेट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट का इंटरनल स्टेट ऑफ नेचर, नेचर का इंटरनल स्टेट या इंटरनल अवस्था, और मोमेंटरी स्टेट ऑफ ह्यूमंस, और इंसान की मोमेंटरी मतलब क्षणिक बदलती हुई स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ये मोमेंट्री स्टेट दिखा रहा है। इन द पोएम पोएट्स डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। इस पोएम में जो पोएट्स है वो एक फोटोग्राफ दिखा रही है अपनी मदर की चाइल्डहुड की। ठीक है, इन द फोटोग्राफ ऑफ टाइम when she went for a ski holiday with her two girl cousin। इस फोटोग्राफ में वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि जब उसकी मदर छोटी थी तो कैसे अपनी दो कजिन्स के साथ एक बार वो इस फोटोग्राफ के टाइम में वो सी गई थी, सी बीच गई थी, वो किनारे समुद्र के किनारे गई थी। ठीक है, हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। इसके साथ पोएट्रेस एक कॉन्ट्रास्ट एक्सप्लेन कर रही है बिटवीन नेचर। ओके, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर अल्टरिंग द पेस ऑफ अ स्नेल एंड द फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे पोएट्रेस दिखा रहा है कि कितना कॉन्ट्रास्ट है दोनों के रिलेशन में, नेचर के जो कि एक चेंज या चल रहा है एक स्नेल की रफ्तार से, मतलब एक घोंघे की रफ्तार से चल रहा है, और इंसान की लाइफ जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही होती है। ओके, पोएट्रेस याद करती है कि कैसे उसकी मदर हंसती थी ना, उस फोटोग्राफ में कैसे हंसती थी, एंड फील डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, और वो उसकी चाइल्डहुड डेज के लॉस्ट हो जाने का गम भी करती है। ओके, हालांकि द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट। हालांकि जो सी हॉलीडे की पिक्चर इस फोटोग्राफ में दे रही है, ये उसकी माँ का अतीत था, उसका पास्ट था, एंड नाउ हर मदर्स लव इज द पोएट्स पास्ट। और अब जो माँ की हंसी है वो पोएट्स का पास्ट हो गया है। बात समझ में आया? इस कविता में ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो फोटोग्राफ है वो उसकी माँ का पास्ट था, और जो उसमें हंसी है वो उस पोएट्स के लिए अब पास्ट हो गया था क्योंकि उसकी मदर अब और जीवित नहीं थी। ओके, सो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पर और ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ के साथ बोथ रिजॉल्व विद देयर रिस्पेक्टिव लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे उसकी मदर और वो दोनों एक रिजॉल्व करते हैं अपना रिस्पेक्टिव लॉस एंड द पेन दैट इन्वॉल्व्स इन रिमेंबरिंग पास्ट। और इसके अलावा वो पेन भी जो अब ना याद करने पे होता है पास्ट के। सो बिसाइड फॉर द पोएट्स हिज मदर्स डेथ ऑफ हर मदर ब्रिंग्स ग्रेट सैडनेस एंड डायर सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो उसकी मदर की डेथ है पोएट्स की, वो उसके लिए बहुत सैडनेस और बहुत गंभीर, बहुत ही गहरा जो है उसके लिए नुकसान
दिखाता है। हालांकि इसके साथ साथ द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव्स हर विदाउट वर्ड्स, और जो पेनफुल सिचुएशन है ये, अब उसको ये सिचुएशन, ये साइलेंस जो है, पेनफुल साइलेंस जो है, वो उसके लिए कोई शब्द नहीं छोड़ता है। चुप रहने के अलावा उसके पास कुछ और अब बचता नहीं है पोएट्रीज के पास। सो दिस इज़ द पोएट्री दैट बिलोंग्स टू द शर्ली टॉलसन्स मदर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस पोएट्री, ए वेरी शॉर्ट पोएट्री इट इज, एंड लेट अस डिस्कस इट नाउ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कार्डबोर्ड मीन्स द फोटोग्राफ, इट शोज मी हाउ इट वॉज, ये दिखाता है कि कैसे वो समय था। वेन टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो गर्ल कजिन्स, ओके, दो गर्ल कजिन्स, दो कजिन बहनें जो हैं, वेंट पैडलिंग जो है वो पैडलिंग करने के लिए, घूमने के लिए बीच पे गए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उन दोनों गर्ल कजिन्स ने एक एक तरफ मेरी माँ के हैंड को पकड़ रखा था। शी इज़ द बिग गर्ल, और वो उसकी माँ जो थी वो उनमें सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 साल की या इसके आसपास की थी वो उस समय। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो तीनों वहाँ खड़ी थी स्माइल करते हुए, थ्रू देयर हेयर एट मतलब अपने बालों के पीछे से हंसते हुए, चेहरे पे बाल उड़ के आ रहे थे उनके पीछे से, वो तीनों वहाँ खड़ी हंस रही थी बीच पर। एट द अंकल विद कैमरा, ओके, और उसी समय मेरे अंकल ने वहाँ पे, उनके अंकल ने उस समय वहीं कैमरे से वो फोटो ले लिया था। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एक बहुत ही स्वीट फेस था मेरी मदर का ना, मेरे पैदा होने से पहले उनका चेहरा बहुत ही स्वीट था। एंड द सी, और वो जो सागर था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो दिखाई पड़ता है कि बहुत कम बदला, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, वो सागर जो इसमें दिखाई पड़ता है वो आज भी जैसा लगता है उसमें बहुत कम बदलाव आया है। वॉश देयर टेरिबल ट्रांसियंट फीट, ओके, और वो जो है वो उनके टेरिबल ट्रांसियंट फीट्स को वॉश करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। मीन्स द एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वो सागर, समुद्र जो बहुत कम बदलता हुआ सा दिखाई दिया। वॉश देयर टेरिबल ट्रांसियंट फीट, जो उनके भयानक, ट्रांसियंट मीन्स होता है मोमेंटस, क्षणिक, उनके बहुत तेज से बदलते हुए पैरों को धो के निकल गया। ओके, मीन्स उनकी उम्र जो तेजी से उस समुद्र में बह गई या मतलब कि वॉश हो गई, और समुद्र अभी भी वैसे ही दिखाई पड़ता रहा। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल के बाद, शी लाफ एट द स्नैपशॉट, ओके, मेरी मदर जब अपनी पिक्चर को देखी तो उन्हें हंसी आई अपनी पिक्चर को देख करके। कहती हैं, शी बेटी एंड डॉली, जरा देखो बेटी और डॉली को ना, शी वुड से, वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो ये भी देख के खुश होती हैं कि जरा देखो कि उन लोगों ने कैसे हम लोगों को कपड़े पहना रखे हैं उस दौरान। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ओके, जो सी हॉलीडे था ये उसकी माँ का अतीत था। माइन हर लॉफ्टर, और वो अब रिग्रीट करती है पोएटेस, कहती है उसकी हंसी अब मेरे लिए पास्ट हो गया है, ठीक है। बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ओके, दोनों ही जो हैं, ओके, सो ये यू नो लाइन जो है, बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इट मीन्स यू नो at different periods of time and with great difficulty both resolve with their respective losses, okay, कि अलग अलग period of times में और बहुत कठिनाइयों के साथ दोनों ने ही resolve कर लिया है
with their respective losses. उन्होंने अपने अपने loss के साथ resolve कर लिया है, मतलब उसको satisfy कर लिया है, and the pain that involves in the remembering past. और इसके अलावा जो pain है past को याद करने का, दोनों ने उसके साथ क्या कर लिया है, समझौता कर लिया है. बोथ राइ विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ने ही क्या कर लिया है, अपने अपने अतीत के साथ समझौता कर लिया है. ठीक है. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लीव्ड. ठीक है. और अब उसकी माँ को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितने दिनों कि वो लड़की हो चुकी है, मतलब कि कितने दिनों की टॉलसन हो चुकी है. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. और इन परिस्थितियों में अब कुछ भी कहने को नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कुछ और नहीं, बस अब केवल साइलेंस है जो साइलेंट कर जाता है. अब केवल शांति है जो हमें भी शांत कर जाती है. सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री स्नैपशॉट हॉर्नबिल ऑफ फोटोग्राफ. ओके, बाय सर ले टॉल्सन. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. यू रीड वंस मोर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, ओके, कॉन्टैक्ट मी. टिल देन you stay at home, or if it is necessary to keep you out, please maintain distance and enjoy yourself at home. Thank you everyone.